कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, एक क्षेत्र से अनजान है। कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है, अर्थात संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रखकर के जीना वास्तविक जीवन नहीं है। जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं, फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है। आप सोचिए हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कुनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है, ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज
एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जनता है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सिंह वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के लिए लाइफ, LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।